हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टर्ब आई एस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एडिटोरियल न्यूज़ डिस्कशन टुडे तो आज स्टोरी एट नवंबर है और एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमें डिस्कस करना है देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पे आर्टिकल है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए नहीं है आज तो जुडिश्री और एग्जीक्यूटिव के कॉन्फ्लिक्स को दिखाया गया है इसमें उसी की बात की जा रही है तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बाकी के जो ये दो आर्टिकल हैं ये पाकिस्तान रिलेटेड इशूज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं और दिस वन इज़ अबाउट द कम्युनलिज्म और पूरा हिंदुत्व तो वगैरह इसमें बताया गया है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है और जो सेकेंड पेज है वहाँ पर एक ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे इसमें बात की गई है किस तरीके से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पर उनके कैपेसिटी बिल्डिंग पे तो उसकी बात हम लोग करेंगे और जो नेक्स्ट वन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो इशू है उसको इसमें बताया गया है कि किस तरीके से चाइल्ड लेबर के जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है तो चलिए आज शुरू करते हैं आज हम लोग ऐसे राइटिंग के कोटेशन भी देखेंगे और एथिक्स का जो केस स्टडी है वो भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ऐसे राइटिंग का क्यों देखते हैं विच इज़ पोवर्टी इज़ द पेरेंट ऑफ द रिवोल्यूशन इन क्राइम अरिस्टोटल ने कहा है एक ग्रीक फिलोसोफर थे आपको पता होगा इनके बारे में और ये कहते हैं पोवर्टी इज़ द पेरेंट ऑफ़ द रिवोल्यूशन मतलब पोवर्टी जो है दैट इज़ गरीबी गरीबी जो है वो जननी है कहीं के भी रिवोल्यूशन या फिर क्राइम की तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के भी देश में या कहीं भी किसी रीज़न में बहुत क्राइम बढ़ रहा हो रिवोल्यूशन बढ़ रहा हो क्रांति आ रही हो तो उसके पीछे गरीबी एक बहुत बड़ा कारण होता है इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट देखते हैं अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड माल नरिश चिल्ड्रन लिव इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ यूनिसेफ का रिपोर्ट है ये और कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा माल नरिश चिल्ड्रंस पाए जाते हैं और फोर्टी सिक्स परसेंट्स में जो चिल्ड्रेन हैं वो काफ़ी छोटे हैं अपनी एज से बहुत छोटे होते हैं और बहुत डेवलप्ड नहीं होते और 47 परसेंट जो चिल्ड्रन है वो अंडर वेटेड हैं मतलब काफ़ी समस्या इंडिया में है इस बच्चों को लेकर के छोटे बच्चों को लेकर के उनमें न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं हमने कल भी आर्टिकल जो डिस्कस किया था उसमें बात की थी किस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम है इसमें इसकी जो मेन न्यूट्रिशन वाला इशू है वो सबसे टॉप लेवल पर है गरीबी को देखा जाए तो, तो वहाँ पर आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा फैक्ट है इसको किसी भी आप आंसर में लिखेंगे तो आपके आंसर को वेट मिल जाता है और सबसे पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ सिंक योर डिफरेंसेस देखिए जीएस पेपर टू में क्वेश्चंस इस तरीके के आ सकते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का उसी की बात कर रहे हैं और अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जज को लेकर के है ये जो कॉलेजियम सिस्टम है या एन को जिस तरीके से खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो क्या सही था क्या गलत था उसी की बात ये लोग कर रहे हैं और जो मैटर ऑफ कंसर्न इन्होंने बताया है अभी वो ये बताया है कि जो डिफरेंसेस हैं वो पब्लिक डोमेन में आने लग गए हैं इन दिनों मतलब लोग खुल कर के बातें करने लग गए हैं और कहीं ना कहीं जो इंटीग्रिटी है जुडिशरी की वो कम होती दिखाई दिखने लगी है और साथ ही साथ जो एक तालमेल होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में वो अब कहीं ना कहीं कम होता लग रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या जो जुडिशरी है उनको प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं रहा इसी वजह से जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा एग्जीक्यूटिव पर नहीं दिखाया जा रहा है और एनजेक जैसे मुद्दे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जा रहा है जैसा कि रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कॉन्फ्रेंस में कि सुप्रीम कोर्ट की जो मनसा है 2015 में हुई क्लियर हो गई थी जब उन्होंने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको सिरे से खारिज कर दिया था अब देखिए यहाँ पे ये पूरी पॉलिटिकल बातें चल रही हैं अब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया ऐसे ही कुछ और मिनिस्टर आते हैं वो स्टेटमेंट देते हैं तो ये बातें हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं अपने आंसर्स में बट हाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है तो देखिए इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कोलेजियम सिस्टम क्या है तो दिक्कत जो चल रही है एग्जीक्यूटिव की वो कॉलेजियम सिस्टम से चल रही है जहाँ पे कि सॉवेनिटी है मतलब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट ऑफ जज में जज ही अपॉइंट करेंगे इसकी सॉवेनिटी है और दूर दूर तक रोल एग्जीक्यूटिव का इसमें नहीं आता है तो जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बताता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनके साथ दो सीनियर मोस्ट जज होंगे और 1993 में डिसीजन आया था इसके लिए और ये कॉलेज उस टाइम से चलता आ रहा है यानी कि करीब 22 तेईस सालों से ये चलता आ रहा है ये रनिंग है और इसकी दिक्कत ये है सिर्फ कि इसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत ही छोटा सा रोल होता है मतलब ना के बराबर रोल होता है और सारा जो डोमिनेंस है वो जुडिशल सिस्टम का है यानी कि सी या फिर जजेस का होता है तो इसको कहा जाता है जजेस सेलेक्टिंग जजेस और अभी दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो आ, मतलब ट्रांसपेरेंसी है उसमें लैक हो रहा है कमी आ रही है अकाउंटेबिलिटी की कमी हो रही है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में और आप समझ सकते हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि अगर हमारी न्यायिक विधि अच्छी नहीं होगी तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा अगर किसी दोषी को सजा ना मिल करके निर्दोष को सजा मिल जाएगी तो ऐसे करपशनस को तो हम कभी आगे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे तो जो पूरा हमारा सिस्टम है और एक जो आप कह सकते हैं डोर में बंधे हुए हैं सारे लोग पूरे जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है इंडिया की वो बिखरने लग जाएगी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो आपस में तालमेल बिठा के रखे तो यहाँ पे सजेशन भी किया दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे लिए ज़रूरी है एक अच्छा डायरेक्टिव्स हमारे लिए ज़रूरी है पॉलिसी मेकिंग का आना हमारे सामने ना कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाए एक रियल सेपरेशन ऑफ पावर रहे हमारी कंट्री में और उसका सही मीन्स जो है वो आगे बरकरार रहे इसके लिए अगर जो मतलब जो भी जुडिशी और आपके एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो लोग चाहें तो एक बेटर सिस्टम को लेकर के आ सकते हैं और कंक्लूजन में ये बोला जा रहा है कि अभी इन दिनों जो ये लैक ऑफ़ ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है और कोलेजियम सिस्टम में जो कुछ दिक्कतें देखने को सामने आ रही हैं उसमें ज़रूरी है इस वक्त कि एक बेटर सिस्टम को आगे लाया जाए और एक क्रेडिबल प्रोसेस हो अपॉइंटमेंट्स का जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का और वहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स है जिससे कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे क्या होंगे बातें उसमें लिखी होती हैं उसको और बेहतर बनाया जाए एंड इट इज़ बेस्ट इफ़ बोथ साइड टेक अ प्रैगमेटिक व्यू ऑफ़ द सिचुएशन एंड सिंग देयर डिफ्रेंसिस ऑन द न्यू प्रोसीजर कि एक नया प्रोसीजर आए हमारे सामने और जो आपस की डिफ्रेंसिज हैं वो सिंक हो जाए वो ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से और जो सिस्टम है वो आगे रन करें और बहुत अच्छे से रन करें कंक्लूजन में ऐसा बता रहे हैं तो क्वेश्चन इस पर आपको ट्राई करना है हालाँकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं तो आज का क्वेश्चन है हाउ हेज द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस बिकम अ कॉन्फ्लिक्टिंग इशू बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिश्री देर बाय अफेक्टिंग द इंडियन फेडरलिज्म तो 150 फिफ्टी वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है कमेंट के तौर पे इस पर लिखना है आंसर और कई सारे एडिशनल पॉइंट्स को भी आप ऐड करें कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है आप उसका भी सहारा ले सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है चाइल्ड हुड फॉर गॉन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और पूरा का पूरा इशू चाइल्ड लेबर की इराडिकेशन से जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चन बहुत जगह पर बन सकते हैं इससे तो जी एस पेपर टू में भी आ सकता है जहाँ पे कि जो हमारे वालरबल सेक्शंस के लिए जो लॉज मेकिंग होती है उसमें जुड़ा हुआ हो सकता है सोसाइटी के चैप्टर्स में आ सकता है तो कॉन्टेक्स्ट है इसका इट इज़ अ शेम दैट द गोल ऑफ इराडिकेट इराडिकेट चाइल्ड लेबर बाय 2025 ट्वेंटी फाइव सीम्स एल्यूजिव देखिए एक गोल था सभी नेशंस का कि 2025 तक चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर दिया जाएगा बट वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल और यहाँ पे जो आर्टिकल में बात की जा रही है उसमें 2025 को टारगेट किया गया था टू एंड द चाइल्ड लेबर लेकिन अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो हंड्रेड नेशंस थे उनके डेलीगेट्स आए हुए थे और उन्होंने ये स्वीकार किया उन्होंने कहा कि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है 2025 तक इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा पाएगा एंड द इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो द रलाइजिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ट्वेंटी थर्टी सस्टेबल डेवलपमेंट गोल तो आपको पता होगा जो दो हजार तीस का हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अचीव करने का उसमें बहुत सारी चीजें हैं हालांकि सत्रह गोल हैं टोटल आपको मैंने एक दिन और भी कहा था आप पढ़ रहे हैं इसको जरूर और इसमें एक इंपॉर्टेंट गोल चाइल्ड लेबर को रेडिकेट करना भी है लेकिन काफी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि शायद इस एस के एक्सपायर होने के बीस साल के बाद भी हम इस गोल को अचीव कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी बिकॉज आई का एक रिपोर्ट आया है इन्होंने एस्टिमेट किया है कि टोटल 121 मिलियन बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो कि आज भी ऐसे कामों में इंगेज हैं और चाइल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं इसमें से 152 फिफ्टी टू मिलियन्स चिल्ड्रन जो हैं वो 5 से 17 साल के एज के हैं लेकिन जो इराडिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कहते हैं कि इकतीस मिलियन चिल्ड्रन जो हैं देट आर एक्सपेक्टेड टू बी रेस्क्यूड बिटवीन द नाओ एंड द ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मतलब अभी से लेकर के दो हज़ार पच्चीस तक का जो एस्टिमेट है वो ये बताता है कि सिर्फ इकतीस मिलियन चिल्ड्रन को ही रेस्क्यू किया जा पाएगा यानी आप समझ सकते हैं कि वन फिफ्टी टू मिलियन में तब भी सौ से ज़्यादा मिलियन बच्चे रह जाएंगे जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार तब भी रह जाएंगे तो काफ़ी कम है जो ये डाटा जो परसेंटेज है वो बहुत मिनिमम है अब एक फैक्ट है इसका इस्तेमाल आंसर वगैरह में भी कर सकते हैं अभी जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था ये फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था सस्टेन एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए और ये 14 से 16 नवंबर तक हुआ 2017 में अभी जस्ट हुआ है ये और इसी में बातें की गई हैं कि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट इसके पहले भी कई सारे कॉन्फ्रेंसेज हो चुके हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए तो नाइनटीन से ही कंट्रीज आपस में मिल रही हैं वर्ल्ड में और जो पॉलिसी मेकिंग है वो उसको एक्सचेंज कर रही हैं या फिर जो प्रैक्टिस होने चाहिए उसको एक्सचेंज कर रही हैं आपस में और जो कॉन्फ्रेंसिज़ हैं उसका नाम है एक तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ओस्लो में नाइनटीन में उसके बाद 2010 में हुआ था दाहक में और फिर ब्राज़ीलिया में हुआ था 2013 में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये आप इसको यूज़ कर सकते हो आंसर में और जो आर्टिकल की बात करते हैं वो कह रहे हैं कि गोल सीन एजिव ऐसा लग रहा है कि गोल को पाना बहुत मुश्किल लग रहा है अभी बिकॉज स्लो डाउन इन द रिडक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर जस्ट वन परसेंट परसेंटेज पॉइंट मतलब 2012 से 2016 यानी कि चार साल के का जो डाटा है वो इतना कम है इतना फ्रैक्शन ऑफ मतलब रिडक्शन हुआ है चाइल्ड लेबर में कि बहुत डिफिकल्ट है कि आगे के कुछ सालों में हम इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाएं बिकॉज द इक्वली डिक्लाइन इन द चाइल्ड लेबर अमंग गर्ल वॉज ओनली हाफ द प्रपोर्शन ऑफ दैट बॉयज डूरिंग दिस पीरियड मतलब जो गर्ल्स की स्थिति है वो और भी ज़्यादा नाजुक है क्योंकि गर्ल्स का रेस्क्यू बहुत कम हो पाया है उनको बहुत कम लेवल पे बचाया जा पाया है तो ये सारे डाटा हैं आंकड़े हैं इसको आप लिख भी सकते हो अपने आंसर्स में एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने की है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भी ये कह रहे हैं कि नेशनल लेगिस्लेशन का बहुत एपसेंस है वो बताया जा रहा है कि नेशनल लेगिस्लेशन तो की बहुत कमी है और नेशंस का जो आई I मीन mean, ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं उनके साथ तो मैं एक अच्छा तालमेल नहीं है दर इज़ अ लैक ऑफ हार्मनी बिटवीन द ग्लोबल कमिटमेंट्स एंड द डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ कि uh, कुछ भी क्लियर नहीं है कि हजार इंडस्ट्रीज़ में बच्चे uh, काम करेंगे या कैसे uh, काम नहीं करेंगे उसके लिए क्या स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए या फिर जो मिनिमम एज ऑफ वर्किंग है वो क्या होगी या फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान हो तो ये सारे ऐसे मिटिगेशंस हैं जिसको uh, कि स्टेप लेने से चाइल्ड uh, लेबर में कुछ हद तक कमी आ सकती है लेकिन दिक्कत ये है कि uh, हालांकि काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स में बताए गए हैं बट बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं अगर आप ध्यान से अपना जो लॉज है उसको पढ़ेंगे तो बट हम अभी एक आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें सारे नेगेटिव इश्यूज़ को ही डिस्कस किया गया है कि एक सही तालमेल ना होने की वजह से भी ये जो चाइल्ड लेबर की समस्या है ये बढ़ती जा रही है घटने का नाम नहीं ले रही है एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट द एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन कि अगर यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन का एक्सपेंशन हो क्वालिटीज़ को बढ़ाया जाए तो कुछ हद तक हम अपने uh, इस जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे एंड अराउंड सेवेंटी वन परसेंट ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि इकहत्तर प्रतिशत जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं जिसमें से कि सिक्सटी नाइन परसेंट ऐसे हैं जो कि अपने ही फैमिली में काम कर रहे हैं मतलब फैमिली के वर्क के साथ साथ काम कर रहे हैं और अपने अगर जो यहाँ पे इंडिया का जो अभी आया था चाइल्ड राइट एक्ट उसमें भी ये कहा गया था कि जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा टाइम पे मतलब स्कूल से अलग अपने टाइम पे अपने घर में हाथ बटा सकते हैं कुछ काम में जो अगर घर की कोई भी काम बिजनेस है तो उसमें वो हाथ बटा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम पे तो वही सेम चीज़ है कि अगर एग्रीकल्चर भी तो वही सेम आता है अगर आपके यहाँ पर लॉ ही है कि हाथ बटा सकते हैं तो फिर भाई बच्चे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों पर और कंक्लूजन में कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है और कुछ चीज़ों को मैंडेटरी करने की आवश्यकता है बाइंडिंग होना चाहिए जैसे कि रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट होता है यूथ्स का एडल्ट्स का तो उसके कुछ पर्टिकुलर टूल्स होने चाहिए जिससे कि बच्चों के प्रोटेक्शन के का ध्यान रखा जाए उसकी गारंटी हो कि ऐसे जो फॉर्म्स हैं जो इन बच्चों को रिक्रूट करते हैं उनके लिए इतनी कड़ी सज़ा हो या ऐसा कुछ प्रावधान हो लीगल एक्शन लिया जाए जिससे कि ऐसे बच्चों को बचाया जा सके तो एक बहुत ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ बनाई जाएँ गवर्नमेंट के द्वारा एंड जो कि क्रेडल से एंड ऑफ लाइफ तक सस्टेनेबल हो तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका कि आई I मीन mean, उपयोग होना चाहिए चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन में और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हालांकि इसमें बहुत मतलब कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं हमें इसको अभी इंडिया के एस्पेक्ट्स में भी लिखना होगा और इसमें कुछ और बातें जोड़नी होगी हमें अपने आंसर में जैसे कि आ, क्या क्या गवर्नमेंट्स के स्टेप्स हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो आप सारा इंडिया में जो भी मतलब स्टेप्स uh, लिए गए हैं आप उसको लिखेंगे जैसे कि अभी रिसेंटली एक पेंसिल पोर्टल आया था आप उसके बारे में लिखेंगे और उसके उसके जो पहले से चला आ रहा था पोर्टल्स आप उसका नाम लिख सकते हैं तो कई सारे स्टेप्स हैं जो अब इंडियन गवर्नमेंट ले रही है उसको आपको आंसर में मेंशन करना है तो क्वेश्चन देखिए द लैक ऑफ हारमोनी बिटवीन द ग्लोबल कमिटमेंट्स एंड द डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इराडिकेटिंग चाइल्ड लेबर विल मेक द पाथ डिफिकल्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर इंडिया तो कमेंट करना है इस पर टू वर्ड में आप इसका आंसर लिखेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं टीच स्टूडेंट्स टू ई रीड तो अभी ये जीएस पेपर वन में एसोसिएट होगा हालांकि आपके पेपर थ्री में भी ये पूछा जा सकता है लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरीके से है बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन टेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या तरीका होना चाहिए किस तरीके से उसको आ, आगे रेगुलेट किया जाना चाहिए या एक सर्टेन मैकेनिज्म होना चाहिए उसको पढ़ने का क्योंकि इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सोशल नेटवर्क इज़ न्यूज़ ऑफ एन रिपोर्टेड बाय समन समवेयर इन द न्यूज़पेपर ऑन द टेलीविजन वेबसाइट और अ ब्लॉग कि कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसका सामना बच्चों को करना पड़ता है ख़ास करके जो सोशल मीडिया की सोशल नेटवर्किंग की दिक्कत है सोशल नेटवर्क साइट पे जो रहते हैं जैसे कि फ़ेसबुक ट्विटर ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अब बच्चे अगर ऑनलाइन टेक्स्ट को फॉलो करते हैं तो क्या होता है उनके पास अगर लैपटॉप है तो बहुत सारे ब्लॉग्स वो एक इकट्ठा खोल सकते हैं और फिर वो कई चीज़ों में और इंडल्ज हो जाते हैं कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते फेसबुक पे चले जाते हैं तो इससे क्या होता है ना ही सिर्फ उनके कंसंट्रेशन में कमी आती है बल्कि जो उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है ये बताते हैं दैट लीविंग लिटिल मीनिंग मतलब अगर छोटा सा भी कोई न्यूज़ आता है मान लीजिए कि तो अगर प्रैंक की तरीके से पेश किया जा रहा है तो जो बच्चा है वो उतना मेचोर नहीं है वो उसको उसी तरीके से प्रैंक को ले लेगा और फिर उस पर सोचेगा नहीं उसको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें कुछ ऐसी ही होती हैं तो इस पर और भी बहुत सारी दिक्कत है जैसे कि कॉन्स कॉन्स्टेंट यूज ऑफ द इंटरनेट थ्रेट इन्स आर रीडिंग कैपैसिटी अगर आप कॉन्स्टेंटली uh, इंटरनेट पर रह रहे हैं तो आपसे आपकी जो रीडिंग कैपैसिटी है वो हार्म होती है उसको थ्रेट मिलता है एंड रिजल्ट इन आर डिक्रीजिंग कैपैसिटी टू कॉन्सन्ट्रेट और जाहिर सी बात है आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकते बहुत समय तक आप सोच नहीं सकते बिकॉज आपका जो दिमाग है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है कुछ जो सर्टेन आपको चीज़ें दिख रही होती हैं आप उसी में रह जाते हैं आप अपनी तरफ से कुछ नई विचार नहीं ला पाते कुछ अच्छा नहीं सोच पाते और जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे घटने लग जाती है तो डिसीजन मेकिंग जो एक पार्ट होता है ब्रेन का उसको बहुत हार्म पहुँचाता है ये एंड स्किमिंग ब्राउजिंग लाइकिंग शेयरिंग बुक मतलब ये सारी चीज़ें जो है बहुत हाई फजर्ट कर देती हैं आपके ब्रेन को एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ और हम किसी भी चीज़ को फिर डेप्थ में समझ नहीं पाते तो ये कई सारी प्रॉब्लम हैं जो जुड़ी हुई हैं ये ई e लर्निंग से तो चाहे तो हमें इसका एक अच्छा सा मेकानिजम हो हमारे पास हमें पता हो हाउ टू ई लर्न या फिर ये हमें इसमें जाना ही नहीं चाहिए मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जो आटके लिख रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली बहुत हार्म कर रहा है बच्चों के दिमाग को और इससे का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है कल के डेट में फिर कुछ सॉल्यूशंस को ये बताते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन रीडिंग हो तो किस तरीके से हो तो जो बच्चे हैं अगर उनको ऑनलाइन रीडिंग की कैपेसिटी मतलब उनको हैबिट डालनी है तो आप उनको शुरू से जब वो पढ़ना सीखते हैं तभी से उनको वो आदत डालनी चाहिए कि वो ई e लर्निंग करें इसके अलावा एक सेल्फ़ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है जैसे अगर आप अगर इस वक्त आप पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे तो आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे उसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितना वीटो पावर की आवश्यकता है मतलब ये तो काफ़ी मुश्किल है ना कि आप पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं क्योंकि एक कह रहे हैं कि एक सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है उसकी ज़रूरत है और तब अगर हम ई लर्निंग पे जाते हैं तो थोड़ा बेहतर हमें इसका रिजल्ट मिल सकता है टू ऑब्ज़ॉर्व द इन्फॉर्मेशन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो आप इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से ऑब्जॉर्व कर पाएंगे चाहिए एक्सप्लेन तरीके से बताना चाहिए कि किस तरीके से ई रीड होना चाहिए और इसके अलावा कहते हैं कि टर्न ऑफ द थ्री और वाई मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप उस वक्त जो आप ब्लॉग पढ़ रहे हो आप सिर्फ उसको पढ़ो कीप योर आई ऑन द स्क्रीन अनटिल यू हैव रीच द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ अगर किसी पैराग्राफ को आप पढ़ रहे तो ये तरीका बता रहे हैं कि आप उस पैराग्राफ को पहले ख़त्म कीजिए फिर आप किसी और चीज़ पे स्विच कीजिए इससे क्या होगा आपका जो कॉन्सनट्रेशन लेवल है वो बरकरार रहेगा वो बढ़ता रहेगा इससे उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अब इसको हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सम्हाव अपने आंसर्स में कहीं पर और आज की केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं हालांकि आप लोग कुछ लोग हैं जो आंसर कर रहे हैं इट इज़ लाइक गुड और जो दो केस स्टडी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये आज हमारा तीसरा केस स्टडी होगा तो ये डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है एक बहुत सीवियर सी सिचुएशन है बहुत टफ सिचुएशन अगर आप इसको देखेंगे तो आप फील करेंगे और सिचुएशन इस तरीके से है दैट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट्स टू डिमोलिश और डिस्प्लेस ऑल इलीगल कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग रिलीजियस कंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिल्ली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिलीजियस uh, कंस्ट्रक्शन जो कि गवर्नमेंट लैंड पे बने हैं उसको हटाना है द आइडल ऑफ फेमस गॉड फ्रॉम द गवर्नमेंट लैंड नियर कनॉट प्लेस तो उन्होंने ये भी कहा कि करनाटक प्लेस के पास जो एक गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ फेमस टेंपल है और फेमस गॉड है उनको भी डिस्प्लेस करना होगा दूसरी जगह पे लेके जाना होगा एंड दिस टेंपल इज़ वेरी फेमस एंड इज रिलेटेड टू द देंटिमेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ़ द पीपल जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ ये जुड़ा हुआ है एंड यू आर इन्वाइटेड टू एडवाइजरी बोर्ड विच इज़ डिस्कसिंग टू रिजॉल्व दिस इशू सो दैट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड और अब आपको एडवाइट किया गया है उस एडवाइजरी बोर्ड में जहाँ पे कि आप डिस्कशन करने वाले हैं और आप इसका पूरा रिजोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं कि क्या एक सही आ, तरीका हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए एंड आपको ये बात पता है कि वहाँ पे आइडल को डिस्प्लेस करने पे या जो इन लीगल कंस्ट्रक्शन है उसमें अगर टेंपल शामिल है उसको हटाने पे बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स होने की संभावना हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं बीच में तो वॉट कैन बी द प्रोबेबल कोर्स ऑफ एक्शन यू विल सजेस्ट टू बोर्ड तो अब आपको बताना है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप बताएंगे बोर्ड को क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि वहाँ पे जो रॉयट्स हैं वो भी ना हो और जो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का ऑर्डर है उसका भी सम्मान कर लिया जाए तो ये बहुत पेचीदा मुद्दा है इस पर अच्छे से सोचें फिर आप इसका आंसर करें तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इसको सब्सक्राइब करें हमें मोटिवेशन फील होता है एंड Uh, हमारे इस वेबसाइट पर पी डी एफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं एडिटोरियल डिस्कशन का तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी है एंड फॉर वॉचिंग